नमस्कार दोस्तों, ये भी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? आपके विकल्प हैं ए फ्लैश मेमोरी, बी सीमॉस, सी बस और डी पेरिफेरल्स। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी बस। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस बार या बसेस कहलाती है। प्रश्न संख्या दो, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती है। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। प्रश्न संख्या तीन, यूपीएस का क्या कार्य है? आपके विकल्प हैं ए कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, बी कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, सी कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्यों के समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। प्रश्न संख्या चार, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? आपके विकल्प हैं ए आईबीएम को, बी एचसीएल को, सी डीईसी को, डी एचपी को। इसका आंसर होगा ए आईबीएम को। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया। बाद में बनने वाले पीसी को आईबीएम पीसी, आईबीएम कंपैटिबल पीसी कहा गया। प्रश्न संख्या पांच, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपके विकल्प हैं ए यूएसबी पोर्टर, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट, डी नेटवर्क पोर्ट। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका उत्तर होगा ए यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या छह, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है?
आपके विकल्प हैं ए यूएसबी पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट और डी नेटवर्क पोर्ट। इसका आंसर होगा बी पैरेलल पोर्ट। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, जबकि माउस को सीरियल पोर्ट तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसका आंसर होगा पैरेलल पोर्ट। प्रश्न संख्या 7। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का क्या अर्थ है? आपके विकल्प हैं ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी सर्विस मोड पावर सप्लाई, सी सिक्योर मोड पावर सप्लाई और डी सिक्योर मोड पावर सप्लाई। SMPS का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। प्रश्न संख्या 8। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? आपके विकल्प हैं ए BPS में, बी MIPS में, सी बॉड में, डी हर्ट्ज में। इसका आंसर होगा MIPS में। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है, अतः प्रोसेसर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। प्रश्न संख्या 9। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? आपके विकल्प हैं ए बस, बी CPU, सी USB, डी MIDI अर्थात MIDI। इसका आंसर होगा डी MIDI। प्रश्न संख्या 10। खाली स्थान डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। आपके विकल्प हैं ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी डिस्क ड्राइव। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें ए सामान्य ज्ञान YouTube चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।